अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जाएँ डिनर पे, आज हम लोग इनवाइटेड हैं। तो मेरी कज़न ने हम लोगों को इनवाइट किया है डिनर पे। तो हमने सोचा कुछ ले जाने के लिए, केक वगैरह तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा आज कुछ अलग लेते हैं, तो हमने डोनट्स ले लिए थे बच्चों के लिए। मैंने कहा बच्चे खुश हो जाएंगे, बच्चों से ज़्यादा हमारे बेटे खुश हो गए कि शायद मेरे लिए लिया है। हालाँकि इतने शौक़ से वो खाता नहीं है, बस एक ही होता, बस एक खाना होता, उसके बाद पूरा डब्बा ऐसे ही पड़ा रहता। खैर, तो हम यहाँ पहुँच गए कबाब जीज़ पर हमारा डिनर है। और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत बड़ा मतलब जगह पर रेस्टोरेंट बना हुआ है। एक जो घुटे हुए उसे होते हैं ना, वैसा नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ। मेरी कज़न ने खाते का ऐसा करते हैं कि बच्चों को पहले झूला झूला लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग जो है ना डिनर पे निकलेंगे। तो ऐसी कोई जगह समझ ही नहीं आ रही थी। कभी हम लोग सोचे थे लकी वन चलते, कभी हम सोच रहे थे कि चलो डेंजू चलते हैं, लेकिन वही डेंजू के लिए दिन में निकलना होता, गर्मी इतनी शिद्दत की थी दिन में तो निकलने का सोच भी नहीं सकते थे। फिर जो ना है यहाँ का उसने बताया कि यहाँ पर बच्चों के झूले भी होते हैं, काम करते हैं यहीं पर कर लेते हैं, बच्चे झूले भी झूल लेंगे और उसके बाद फिर ये कि डिनर भी हो जाएगा हमारा। तो ऐसे ही हम लोगों ने किया था। तो ये हम लोग पहुंच गए थे, जैन भाई हमें नीचे लेने के लिए आ गए थे। और ये बहुत अच्छा किया था कि जो ना ऊपर इन लोगों जो ना टेबल रखी थी, वरना जो ना नीचे तो बहुत ही मतलब ज़्यादा जब जो ना लोग होते हैं तो और ज़्यादा जो ना हवा का प्रेशर जो ना कम हो जाता है, तो ऊपर रहते हैं तो ऊपर जो ना सही था, खुला था, हवा भी चल रही थी। और ये हम लोग पहुँच गए थे। ले लो आप लोगी, फबिया आप लोगी, ये सोच रही है। मैंने भी स्टेटस देखा था। कौन सा चाहिए? चाहिए विद फ्राइड राइस है ये। हाँ फर्स्ट है ना, क्या हमने स्वीट सॉस बोल रहे हो? हाँ अच्छा ठीक। यहाँ से तो कुछ नहीं था, यहाँ से भी कुछ नहीं है। और ये फिश टिक्का है, और एक और चीज़ डर रही है वो डर रही है हाथ मिला तो कह नहीं। जावियन आप कर लो जल्दी जल्दी जल्दी। बाहर आइए कह रहे हैं, ये क्या है डांस? डांस क्या हुआ? तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल ऑर्डर ले रहे थे। वन बाय वन सारी चीज़ें जो हमने डिसाइड की थी वो हमने इनको बता दी थी, ठीक है। और ये कोई आधे घंटे बाद हमारा ऑर्डर आ गया था। वेट के बाद बच्चे चले गए थे झूले झूलने के लिए नीचे अपने अपने बाबा के साथ, और हम दोनों बैठे हुए यहाँ पे बातें कर रहे थे। तो ये हमारा जो है स्टेक आ गया है, हमने स्टेक ऑर्डर किया था, एक चिकन स्टेक ऑर्डर किया था और एक बीफ स्टेक ऑर्डर किया था, ठीक है। और इसके अलावा मलाई बोटी ऑर्डर की थी, और ये आ गया मैश पोटैटोज़, और इसके अलावा ये फ़िश प्लेट और फ्राइज थे। बच्चे जो है ना है कुछ ना भी खाएं जो स्पाइसी वगैरह उनको लगता है, कबाब या कुछ भी बोटी या स्टेक वगैरह। तो फ्राइज़ हमने ऑर्डर कर दिए थे, कुछ जूल भी छोड़ देंगे तो जो ना फ्राइज़ तो खा ही लेंगे। ये था टेम्पुरा आ गया था, और गार्लिक नान हम लोगों ने मंगवा लिए थे। हमने कहा सारी रोटी तो खाते रहते हैं, गार्लिक नान मनिया की वजह से भी मंगवाया था, थोड़े वो होकर खा लेंगे कि जो ना हाँ गार्लिक नान आ गया तो शॉप से खा लेंगे, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से थोड़ा डरते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, माशाल्लाह से बेहतरीन खाना था, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये वाला कबाब तो बहुत ही पसंद आया हम लोगों को, समझे। यहाँ का ये रनिंग डिश है यहाँ की, ये वाला जो 1 मीटर कबाब है। और स्टेक भी बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है। मुझे बड़ा शौक था खाने का स्टेक, तो मैंने खा लिया। एक बीफ स्टेक हो गया, मशरूम, और एक जो ना है नाम याद नहीं आ रहा चिकन का, जो चिकन वाला जो था। खैर, खाना खाने के बाद ऊपर का व्यू मैंने लिया, यार इतना कोई खूबसूरत व्यू लग रहा था। नीचे बैठने वाले लोग भी, मतलब नीचे भी बैठ के आप लोग खा सकते हो, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा क्राउड एक तरह का है, लेकिन ये कि ऊपर आप जो ना सेपरेट, और मतलब ऊपर की सेटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब ऊपर बैठ के बंदा खाया जाए। और ये तो कुछ दो दरिया का टच भी इन लोगों ने लिया हुआ था। दो दरिया का ये है कि वो पानी में बना हुआ है, ये है कि मतलब अच्छी बेस पर बना हुआ है और मज़बूत बना हुआ है, लेकिन ये है कि यहाँ पर खाने में बड़ा मज़ा है। तो खैर, 1 मीटर कबाब इन्होंने खुद सर्व करके दिया सबको, मतलब खुद ही कट करके दिया, ये इनकी एक अच्छी बात थी। और
और सबसे पहले हम लोगों ने यही ट्राई किया था और ये मैंने ज़ावियन को फिश ज़ावियन शौक से खा लिया था और ज़ावियन असल में ज़ावियन ने आते ही एक जो है डोनट खा लिया था उससे उनका पेट भर गया था और तो इनसे जो है ना ये खाया नहीं जा रहा था और इनकी बस नजर थी कि मैं फ़िश खाऊँगा खाया लेकिन माशाल्लाह से थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने खाया और ये हमारे मियाँ के पेट देख सकते हैं उन्होंने सारी जो है डाइटिंग शाइटिंग छोड़ दी थी और जो ना अब जाहिर सी बात है बंदा दावत में आया है तो फिर तो खाएगा ही कि कहने लगे भाई आज के लिए ऑफ है आज मैं सब कुछ खाऊँगा कहाँ हाँ बट ठीक है वो मुझे सुबह में जो ना तुझे वो कहते हैं तो भाई ये आ गई अरेबियन स्वीट डिश कुनाफा और ये कुनाफा जो है ना है बहुत पसंद है इन लोगों को मैं मीठा कम ही खाती हूँ लेकिन ये है कि खा लेती हूँ चखती हूँ तो ये कुनाफे में एक स्पेशलिटी ये है कि इसमें क्रीम और चीज़ डली हुई होती है लेकिन जो हमने सऊदी अरब में खाया ना वो टेस्ट यहाँ का नहीं था तो भाई खाने वाने से फारिग हो गया अब हम लोग जाने लगे थे असल में ज़ावियन को कार चलानी थी डॉजिंग कार उनकी एक डॉजिंग कार रह गई थी उन्होंने कहा था घर का नाम नहीं लें आप जब तक जो ना मैं घर डॉजिंग कार नहीं चलाऊँगा ना मैं घर नहीं जाऊँगा मैंने कहा चलो भाई ठीक है घर खाने से हम लोग फ्री हो गए थे हमने थोड़ी पिक्चर वगैरह ली एक यहाँ पे हम लोगों ने पिक्चर वगैरह फोटो सेशन किया था ये भी बहुत ज़बरदस्त जगह थी और ये फाउंटेन दे सकते हैं आप बहुत ही कोई ज़बरदस्त फाउंटेन लग रहा था कुछ जगह पे जो है वो पानी गिरना रुक भी गया था मतलब ये इस तरीके से जो ही गिर रहा था तो कुछ जगह पर बंद हो गया था वरना बहुत सारी जगहों पर ऐसा बना हुआ है लेकिन काफ़ी अच्छी स्पेसिव जगह है ये देख सकते हैं माशाल्लाह से झूला इनको डर लग रहा था मुझे बाद में पता चला है मियाँ ने बताया कि इसमें हमने इसको बिठाया था और वो हालांकि ये ख्वाहिश इससे भी बड़े झूले ही कर रहे थे लेकिन इसमें ही ये इतना डर गए थे भैया 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 क्या हुआ क्या है ये क्या है भालू है गोरिल्ला है जी क्या क्या वो जाने बालू पे जाने हेलो हेलो यार बाय भैया भैया और ये किचन है यहाँ पे सारे खाने तैयार होते हैं आप लोग देख सकते हैं सब जो है एक लगातार जो है सारी डिशेस लेके निकलते हैं जो भी इनके ऑर्डर्स होते हैं इनके जो यहाँ पे वेटर हैं खाना लगाने वाले हैं आप देख सकते हैं और इतनी गर्मी कोई अंदर से धुएं भी आ रही थी मतलब गर्म हीट निकल रही थी इनके किचन से आप तो भाई बड़े वहाँ से गुजरना भी मुश्किल था लेकिन जो अंदर काम कर रहे हैं लोग उनका क्या हाल हो रहा होगा मैं तो ये सोच रही थी खैर वहाँ से निकल के हम लोग जो है वो झूलों की साइड पे आ गए थे यहाँ पे ज़ावियन को वही डॉजिंग कार चलानी थी उन्होंने कहा डॉजिंग कार के चलाए बगैर तो मैं घर जाना ही नहीं है खैर इनका टिकट दिया बड़ी काफ़ी देर बाद लाइन लगी हुई थी भाई लोगों की तो फिर काफ़ी देर बाद इनका नंबर आया और इन लोगों ने डॉजिंग कार चलाई यहाँ पे इन लोगों ने इतना कम टाइम रखा हुआ था डॉजिंग कार चलाने का बहुत ही कोई मुश्किल से 5 मिनट का टाइम था इससे ज़्यादा नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा देर हो गई लेकिन वो 11:30 11:30 मैंने कहा
वो अच्छा। हम यहाँ 7 बजे के आए हुए थे और हमें यहाँ पे 12 बज गए थे, और जब हम निकल रहे थे लोग आना स्टार्ट हो रहे थे, मतलब इतना रश स्टार्ट हो रहा था, हम बिल्कुल सही टाइम पे पहुँचे थे और सही टाइम पे फारिग हो गए थे। तो भाई व्लॉग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।